हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सीएमए रोहन शर्मा, और मेरे साथ है रोहित कुमार शॉ। रोहित ने सीएमए क्वालिफाई किया है रिसेंट दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में, और अभी इनका सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में कल्पतरु पावर में सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने सीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है, और 22 ईयर्स के एज में सीएमए कंप्लीट एज वेल एज कैंपस में जॉब सिक्योरिटी इन्होंने अपनी ली है। फर्स्ट जॉब इन्होंने सिक्योर किया है। तो हाय रोहित, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया। सर तो कैसा फील हो रहा है गांधीनगर में जाके? सर बहुत बढ़िया फील हो रहा है आफ्टर क्वालिफिकेशन, राइट राइट, अब लग क्योंकि रहा है कि जो सीएमए हाँ करके जो चाह रहे थे वो चीजें हो रही है। सर अभी तक तो हो रहा है पूरा। तो लाइक, जब आपको कैंपस में ऑफर मिला, हाउ वाज योर फीलिंग एट द टाइम? वो मोमेंट आपके लिए कैसे थे? सर मोमेंट तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि ऐसा मोमेंट पहले कभी आया नहीं था, क्योंकि मैं वो मेरा कल्पत्रु मेरा पहला जॉब है आफ्टर आर्टिकल सी। मैं राइट राइट, सोचा भी नहीं था हो जाएगा इसमें, क्योंकि मैं किसी और कंपनी के लिए वेट कर रहा था उसमें हो जाएगा, लेकिन ठीक है इसमें भी हो गया। ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, नो प्रॉब्लम। ओके। सो कल्पतरु में आई थिंक 40+ स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड थे, ऐसा कुछ था राइट? हाँ सर, और उसमें से 12 या 15 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ हाँ कोलकाता में। कोलकाता में। तो लाइक 40 में 12 में आने में क्या फील हो रहा था? बहुत बढ़िया फील हो रहा था यार, मैं तो सोचा भी नहीं था। मैं भी मतलब 40 नहीं सर, 40 से ज्यादा था, तो 40 में भी ओके मैं भी आ सकता हूँ, मेरे को पता नहीं था इतना। यस, मेरे से भी अच्छे लोग बहुत थे वहां पे, इंटरव्यू दिए थे जो। अच्छा, जो हमने लाइक 2 महीने काम किया इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर, इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, वो मेरी मेंटरशिप आपके लिए कैसी रही? चलो तो सर बहुत बढ़िया रहा। पहला तो सर आपका जीडी, वो तो सर बहुत बढ़िया रहा, वो जो प्रैक्टिस हुआ ना वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि सर मेरा जीडी जो फोर्ड मोटर आया था ना उसमें मेरा जीडी हुआ था, और उसमें वो टॉपिक मिला था विच इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी एंड इथिक्स, शायद वो अच्छा आपके क्लासेस में हुआ था वो जीडी, तो उसमें जीडी मेरा क्लियर हो गया था आराम से। ओके बट वो इंटरव्यू देने से पहले मेरा कल्पत्रम सिलेक्शन हो गया था। ओके 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 ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम जीडी, हमारे बुक्स कैसे थे आपके लिए? सर बुक सर बहुत बढ़िया थे, उससे क्या होता है ना सर बहुत चीज सर रिकॉल हो जाता है, क्योंकि पढ़े तो हम लोग सब है बट रिकॉल नहीं है इंटरव्यू के टाइम। वो क्या है ना, बहुत शॉर्ट वर्ड में लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो तो पीछे का सारा रिकॉल हो जाता है, ऐसा करेक्ट था। करेक्ट और करेक्ट, सर एक बात और था सर, मैंने ना मेरा जो प्रोफाइल था ना ऑडिट पे था आर्टिकलशिप पर, और मैं जब इंटरव्यू में गया ना मेरे को ऑडिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन वो लोग किए, और सच बता रहा हूँ जितना सारा क्वेश्चन था ना सारा आपके वो मैट में से सारा छप के आ गया, वो लोग पूछ लिए मेरे से। सर ओह माय गॉड ग्रेट। सो बेसिकली मेरा मैट इसी तरीके से बनाया गया है कि वो इंटरव्यू ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर सारी चीजें जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अच्छा, एक मोमेंट और लाइफ में प्रीशियस होता है जब हम सीए में क्वालिफाई करते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आया, आपने वो कॉन्ग्रेचुलेशन देखा कि लाइक यू कंप्लीटेड योर सीए में, सो वो मोमेंट कैसे थे आपके लिए? वो मूवमेंट तो बहुत बढ़िया था। फर्स्टली आई लुक फॉर माई फादर एंड माई मदर, बिकॉज मेरे पास होने में उनका बहुत बड़ा, तो मैं सोचा भी नहीं था यार मेरा ऐसा मैं पास हो जाऊंगा। मैं सोचा था मेरा एग्जिबिशन आएगा 2-3 सब्जेक्ट में, बट एक सब्जेक्ट में नहीं हो पाएगा जीएसटी में, बट तो हो भी हो गया। बोथ ओके, तो आपने बोथ ग्रुप दिया था, सिंगल सिंगल ग्रुप आपने दिया है ग्रुप, बोथ ग्रुप बोथ दिया था ग्रुप सर में? मैंने। फाइनल में तो कितने मार्क्स आए थे आपके? 200 पूरा, टू सॉरी फोर हंड्रेड 100 200 नहीं 400 पूरा आया था, जिसमें ओके से ग्रुप 4 में ज्यादा था और ग्रुप 3 में थोड़ा कम था। हाँ ओके, मतलब कंपनसेट करके आपका बोथ ग्रुप कंप्लीट हो गया। कंपनसेट ओके ग्रेट। सो उस दिन आपने रिजल्ट अपना खुद से देखा था या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको देख के पूरा बताया? कैसे पता चला आपको? सर। सर आफ्टर 10th क्लास मैंने अपना रिजल्ट खुद से कभी देखा ही नहीं है, अच्छा, ऐसे क्यों? मेरे को लगता नहीं है। मैं मेरा मतलब है ना कभी कभी मेरे मैं जब देखता हूँ ना किसी का वो मे भी फेल भी हो जाता है। जो फाउंडेशन का रिजल्ट था मेरा, एक दोस्त था विवेक, उसने मेरा रिजल्ट देखा था, उसमें मैं पास हो गया। जब इंटर में आया, इंटर मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था, तो दोनों बार वो लड़का ही देखा, विवेक दिया फिर भी मैं पास हो गया, और जब फाइनल में आया तो मेरा भी रिजल्ट वही देखा फिर पास हो गया ओके मैं पहले मतलब उसी को कॉल किया मेरा रिजल्ट देख ले। विवेक आपके लिए लकी की है। हाँ ओके ग्रेट। सो जब आपने मम्मी पापा को बताया, उनके लिए कैसा एक्सप्रेशन था आपके लिए जब आप सीए में क्वालिफाई किए? वो तो सर बहुत बढ़िया था, उनको भी लगा अब मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, वो अब मेरे को रिटर्न देंगे, क्योंकि या ये तो होता है। सब फैमिली मेरे बहुत टाइम से वेट कर रहा था।
ओके, आपने सीएमए कब स्टार्ट किया था, किस ईयर में आपने सीएमए जर्नी स्टार्ट की थी? सर ऐसे तो बीकॉम के साथ स्टार्ट किया था, मतलब बीकॉम कंप्लीट होने से पहले मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 2019 में होगा कुछ ऐसा। फाउंडेशन दिया था मैंने पहले 2019 में, मेरा 2021 में वो हो गया था, 21 के एंड में दिसंबर वाले में इंटर कंप्लीट हो गया था, फिर जाके ओके, फाइनल। तो दिसंबर जब आपने 2019 में सीएमए स्टार्ट किया, तो आपको सीएमए कोर्स के बारे में कैसे मालूम चला? सर कोर्स के बारे में सर वैसा ज़्यादा जानकारी नहीं था मेरे को, जस्ट मेरे फ्रेंड लोग थे वो लोग सीएमए कर रहे थे, बट मैं उसमें इनडिफरेंस था, मैं सीए करूँ या सीएमए करूँ। बट फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा वीडियो देखा जिसमें मेरे को पता चला, और बहुत सारे भैया लोग से पूछा जो सीएमए थे, उनका कहना था ना अगर आप सीएमए करते हो ना आपका जो वो क्या बोला जाता है आपका जो प्रोफाइल होता है ना कॉस्ट एंड फिनांस दोनों में होता है, बट अगर आप सीए करो ना तो देखो आप उसमें कॉस्ट में नहीं काम रहता है, सीए का पूरा फिनांस रहता है, अकाउंटिंग टैक्सेशन रहता है, बट आप सीएमए करो तो आपको दोनों जगह काम मिल सकता है। जैसे ये तो है। अभी सर अपने अपने ही कैंपस में कितना सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे सीएमए है जिसको फिनांस में काम मिला है, पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, बट किसी को है कॉस्ट में मिला है, लेकिन मेरा बढ़िया है मेरे को ऑडिट में मिला है अच्छा, सीएमए करके, मैं चाहता ग्रेट। सो भी था मेरे को ऑडिट मिल जाए। ओके, सो आपने फर्स्ट अटेम्प आपका इंटरव्यू था, फर्स्ट अटेम्प आपने फाइनल क्वालिफाई किया, राइट? फाउंडेशन फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प था आपका? में पहला आइटम था ओके, सो और इंटरमीडिएट भी आपने बोथ रूप दिया था, और सिंगल सिंगल दिया था इंटरमीडिएट में? सिंगल सिंगल इंटर सिंगल सिंगल, फाइनल बोथ रूप आपने दिया, राइट? ब्रो। सो फाइनल में आप बोथ रूप के लिए क्यों गए, और इंटर में सिंगल सिंगल आपने क्यों दिया? सर मेरा ना जो अटेम्प्ट था ना वो जून का अटेम्प्ट था, बट उसमें मेरा पूरा सब्जेक्ट प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा जो आर्टिकल सीख रहा था ना उसमें मेरे को कंप्लीशन नहीं मिला था, तो मैं ओके, बोला अगर अब मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो मे बी फेल हो सकता हूँ या नेगेटिव रिजल्ट आया, तो मैं रुक गया थोड़ा सा। मैं बोला ठीक है 6 महीना है ना, 6 महीना जो ग्रुप फोर बचा है उसका प्रिपरेशन करता हूँ पूरा, तो ग्रुप फोर का मेरा 4 महीना में, 4 नहीं 3 महीना में प्रिपरेशन हो गया था पूरा, और जो बाकी 2 3 महीना था ना पूरा रिविजन चला 8 पेपर का। ग्रेट। सो आपका की ऑफ सक्सेस क्या था, जिसकी वजह से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटर, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फाइनल आपने क्वालिफाई किया? सर जैसे कि मेरे की ऑफ सक्सेस मेरे मम्मी पापा है, क्योंकि ना एज अ माई फैमिली मेरा जो फैमिली है ना बहुत बड़ा है, 8 मेंबर है मेरे फैमिली में, जिसमें सोर्स ऑफ इनकम ओनली माई फादर, तो वहाँ से भी मतलब मैं जब सोचता था ना तो अरे अभी नहीं पढ़ूंगा तो कब पढ़ूंगा, टाइम हो जाएगा, बस बस वही थिंकिंग था मेरा, वही मेरा मोटिवेशन था, तो वही फॉलो किया, पढ़ाई किया, बस हो गया। ओके, ग्रेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूँ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टडी में आप किस तरीके से, आप सब्जेक्ट वाइज आपने प्लानिंग किया, कि आपने वन शॉट में एग्जाम क्लियर किया, नंबर ऑफ रिविजन्स आपने कितने किए, क्लासेज आपने लिए थे, या फिर आपने बाई सेल्फ अटेम्प्ट किया? नहीं सर मैंने क्लासेस लिया था, सारे का क्लासेस नहीं लिया था मैंने, जैसे टैक्स का था तो उसका एक आता है ना फास्टैग बैच आता है जो यूट्यूब में अवेलेबल रहता है, उन सर का क्लासेस लिया था मैं, ऑडिट का भी क्लास मैं नहीं लिया था क्योंकि ऑडिट मेरे आर्टिकलशिप में मेरे को बहुत बढ़िया से आता था, तो ऑडिट का क्लास नहीं लिया, एफपीएम बीवी का भी क्लास मैंने लिया था, 3 सब्जेक्ट का क्लास नहीं लिया और बाकी सब्जेक्ट का मैंने क्लास लिया था इसमें से। तो मेरा फॉलोअप क्या था ना, पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट करना था, देयर आफ्टर मैं सर पूरा मतलब क्या बोला था उसको, प्रैक्टिस किया पूरा रिवीजन किया, मतलब वो मोर देन 10 टाइम्स होगा रिवीजन। ओके, मोर देन 10 टाइम्स आपने यस रिवीजन सर, किया, और रिवीजन के सर लिए बहुत आपने इम्पोर्टेंट कितने कितने टाइम्स आप देते थे? आपने लास्ट के 2 महीने दिया, या फिर आपने साइमल्टेनियसली पढ़ाई करते गए, रिविजन करते गए, था कैसे फॉलो करते सर, थे आप? मैं लास्ट का 65 डेज रिवीजन के लिए रखा था, 65 डेज मेरा एक शेड्यूल बना लिया था मैं, 65 डे मेरे को क्या करना है, तो उसमें मैंने पहले सर जो होता है ना पहला 1 महीना 30 दिन के लिए मैं पूरा फिर से एक बार सारा चीज रिवीजन किया, गो थ्रू किया क्या है, फिर जो 30 दिन बचा ना उसमें मैं एक टारगेट बना लिया, मेरे को प्रीवियस 10 टर्म का पेपर सॉल्व करना है, आठों पेपर का ओके, प्रीवियस 10 टर्म का, तो उस हिसाब से मैंने एक शेड्यूल बनाया, मेरे को एक दिन में कम से कम 4 पेपर सॉल्व करना है, 3 3 घंटा पूरा डिवोट करके करना है, तो मैं करता था वैसे, तो पूरा प्रॉपर टेबल टेबल में बैठ के कॉपी लेके लूज शीट लेके और प्रीवियस पेपर निकाल के ना मैं 3 3 घंटा देता था वो सॉल्व करने में, तो ऐसे करके मैं पूरा एक लास्ट का 1 महीना ना पूरा पेपर सॉल्व किया हूँ, फिर जो लास्ट का 5 दिन बचा उसमें थोड़ा सा जिस सब्जेक्ट का एग्जाम था तो उसको थोड़ा पढ़ लिया। ग्रेट। सो आपने इस तरीके से करके अपने इंटर एंड फाइनल आपने कंप्लीट किया। अच्छा, इंटर में एंड फाइनल में आप थ्योरिटिकल सब्जेक्ट को आप कैसे हैंडल करते थे, जो थ्योरी का, जैसे लॉ का सर सब्जेक्ट हो गया, एसपीएम बीबीएम में थ्योरीज होते हैं, तो आप कैसे इसको आप टेकल करते थे?
सर लॉ का जैसे तो वो नोट्स रहता था हमारा, रिटन नोट्स रहता था, जो भी टीचर पढ़ाता था ना वो नोट्स को बहुत बढ़िया बनाना था, क्योंकि अगर मैं हाथ से लिखता हूँ वो मेरे को जल्दी याद हो जाता है। तो जो नोट्स रहता था सर का, वो हैंड रिटन नोट रहता था, वो सर बोलते थे हम लोग लिखते थे, तो उसी को मल्टीपल वाइज टाइम याद करके फिर लिख के पेपर सॉल्व करके, तो ऐसे करके वो याद होता था सर। ओके ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर स्ट्रेटजी जो आप अपनी जर्नी का आप बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहते हो? हाँ सर, जैसे कि सर अगर कोई किसी को पढ़ना है ना, वो सोच ले मेरे को पढ़ना है, मेरे को पास होना है, तो उसको पहले तो अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा, शेड्यूलिंग बनाना होगा, क्योंकि विदाउट शेड्यूल वो नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान होता है सर कहीं भटक ही जाता है सबका। तो मेरा क्या था ना, मेरा सुबह 9 बजे का शेड्यूल रहता था, 9 से, जैसे 9 से पूरा 2 बजे तक रहता था अपना शेड्यूल है, पढ़ो उसमें, फिर उसमें खाना खा लो, फिर 2 घंटा प्रॉपर सो लो अपना दोपहर में, ओके उसके बाद फिर, हाँ फिर से उठो, फिर से, मतलब जैसे ना सर मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेता था, 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, फिर मैं तो सुबह में नहीं पढ़ता था, मैं रात को पढ़ता था, क्योंकि रात को मेरे को बढ़िया लगता था पढ़ने में। अगर रात को आपको नींद आता है ना, तो आप गाना सुनो, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, फिर आप स्टार्ट करो, फिर से मतलब आपको, आपका एनर्जी है ना फिर से आ जाता है पहले जैसे। हाँ या अच्छा आपने अपने इंटर्नशिप और हाँ सर बोलिए। मैं ये पूछा था, आपने अपनी इंटर्नशिप जो आपने की आपने फॉर्म से की थी राइट? हाँ सर, तो आप इंटर्नशिप के साथ साथ स्टडीज भी आप मैनेज कर रहे थे उस टाइम, तो आप कैसे आप इंटर्नशिप और स्टडीज को आप मैनेज करते थे? सर मेरा आर्टिकल शिप के टाइम ना मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि जब मेरा कंप्लीशन होने वाला था ना आर्टिकल शिप का, तो मेरा जो बॉस था वो मेरे को कंप्लीशन नहीं दिया, मेरे को बोले तुमको 2 महीना और काम करना है, बिहार में एक प्रोजेक्ट था जिसका ऑडिट करना है मेरे को, और लेकिन मेरे को एग्जाम भी देना था उस समय, तो मैं अपना बुक लेके गया था, तो मैं दिन में काम करता था पूरा 5 बजे तक 6 बजे तक, और ज्यादा तो ऑडिट के लिए ऑडिट से आता था, तो मैं रात को मतलब पूरा प्रॉपर पढ़ाई करता था वहां पे 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक, फिर सोता था 4 घंटा सोता था, 8 बजे उठता था, 8 9 बजे, फिर वहां से मतलब ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके ट्रेन पकड़ो, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, ऐसे करके मैंने मेंटेन की। सर अगर आप ऑडिट भी जाते हो ना, अगर आपको तो बुक लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं लेके जाओगे ना आपका पढ़ नहीं पाओगे आप, फिर आपको वेट करना होगा मेरा आर्टिकल शिप कब कंप्लीट होगा, मैं कब पढ़ूंगा, ऐसे। तो यार डेफिनेटली लाइक हम ये सोचते हैं कि किसी ने एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, बट उसके पीछे भी बहुत हार्ड वर्क होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना। मोस्टली बच्चे मुझे नहीं लगते कि वो आर्टिकलशिप के टाइम में ये इतना एफर्ट कर पाते हैं कि 4 घंटे बस सोना है, बाकी टाइम पढ़ना भी है, आर्टिकलशिप को भी कम्प्लीट करना है। तो ये काफ़ी अच्छी कमिटमेंट थी जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुँचे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और फ्यूचर में भी इस कमिटमेंट को कंटिन्यू रखना आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी फर्दर स्टडीज में। और अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है, 22 ईयर्स जस्ट आप कंप्लीट की हो, तो अभी पढ़ने के लिए भी काफी कुछ है आपके लाइफ में, तो आप फर्दर बहुत आप कुछ स्टडीज पे है। आप टाइम दे सकते हो। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक जब आपका रिजल्ट आया एंड देन आपको कैंपस के लिए जाना था, तो आपको मेरे कोर्स के बारे में आपको कैसे मालूम चला? सर मैं तो आपको बहुत पहले से जानता था, पहले इंटर से जानता था, इंटर फाउंडेशन से, आपका वीडियो आता था ना यूट्यूब पे, तो राइट राइट उस समय शायद आप कैंपस के लिए नहीं करवाते थे, जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मैं लिंक्डइन पे देखा तो आपका वो आया था, तो मैं वहाँ एक कुछ लिखा हुआ था नोट्स के बारे में, लिखा हुआ था नोट्स अवेलेबल मिलेगा आपको सारे सब्जेक्ट का, आपने लिखा था, तो मैं जस्ट वो आपको मैं कॉल किया उस समय, ओके आपसे पूछा, फिर आपसे साथ मैंने डेमो भी मंगाया था एक बार, ओके चलो तो डेमो मंगाया, फिर जाके मैं आपका क्लास ले लिया था। अच्छी बात है। तो आपने जो सोचा समझा और जो अब आप आए मेरे साथ पर्सनली आप कनेक्ट हुए, और हाँ सर, और उसके बाद जब मैंने क्लास ले लिया ना, मेरे पीपीओपी में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड मिले जो म्यूचुअल थे आपके क्लासेस में थे वो, राइट? अप्रोक्स 40 स्टूडेंट्स कोलकाता कैंपस से थे अपने पास, मोर देन 40 सर, आई थिंक क्लास में 45 55। कैसा फील होता था? सारे स्टूडेंट्स लाइक एक साथ एक कम्युनिटी आपकी बन गई होगी वहाँ पे। हाँ सर बढ़िया लगता था वो भी बहुत बढ़िया टाइम था जब होता था क्लासेस। या और आपने देखा भी होगा हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया, इवन 92+ हाँ स्टूडेंट्स अभी सर, तक हाँ आई थिंक सर स्टूडेंट्स। वो 100% नहीं हुआ, बट मतलब 90% तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से, आराम, 90% हो चुका है ऑलरेडी सिलेक्शन। क्योंकि खुशी जितना भी जन अपने कनेक्शन में इतना सबका हो गया। तो अच्छा है। बस यही कि देखो सिलेक्शन सिर्फ टीचर की वजह से नहीं होता, सिलेक्शन स्टूडेंट की वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं कितना भी एफर्ट करूँ एट द एंड जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। मैंने भी आपको नोट्स सारी चीज़ें बना के दी और आपने भी उसको फॉलो किया, पढ़ा, यूटिलाइज किया, इसलिए आज आप वहाँ पहुँचो।
तो ये अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को भी अपने कमिटमेंट दिखाना चाहिए, टीचर को भी अपनी कमिटमेंट दिखाना चाहिए, दोनों के साइड से कमिटमेंट जरूरत है। तो अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे सीएमए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? हाँ सर, डेफिनेटली सर, मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप सीएमए ज्वाइन करो, क्योंकि आप अगर सीएमए ज्वाइन करते हो ना, आपको सारे फील्ड का काम मिलेगा, ऑडिटिंग भी मिलेगा, कॉस्टिंग भी मिलेगा, बजटिंग मिलेगा, फिनांस मिलेगा, सारे। अगर आप सर सीए ज्वाइन करते हो ना, आपको सर देख लीजिए, आप फिनांस ही मिलेगा, मोडली टैक्सेशन मिलेगा, और ये मिलेगा, ऑडिट मिलेगा, बट आपको कॉस्ट तो कभी नहीं मिलेगा, बजटिंग नहीं मिलेगा, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, मैनेज द कॉस्ट, एमआईएस वगैरह उतना नहीं मिलता इनमें, क्योंकि बहुत सारे भैया लोग हैं और फ्रेंड भी है जो अभी बहुत बहुत जा बहुत मतलब कंपनी में काम कर रहे हो, वो बताते हैं हमें तो खाली फिनांस में एक्सपर्ट है, फिनांस का काम ही आता है हमें, मतलब उसमें मेरे को काम ही मिलता है, मेरे को कॉस्टिंग में वो लोग भेजेंगे ही नहीं। और सर कॉस्टिंग में बहुत स्कोप है अभी, मैंने तो सर Naukri.com LinkedIn वगैरह में देखता था ना, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना 2 साल का, तो आपका तो एलपीए मतलब 13 लाख से नीचे होगा नहीं, बढ़िया कंपनी हो तो। इवन अभी भी ऑफ कैंपस में भी काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी अच्छी पैकेज मिली है अपने ग्रुप में, हाँ सर तो वो बस कमिटमेंट के ऊपर है। आप जितना कमिटमेंट दिखाओगे, जितना एफर्ट करोगे, सारी चीजों को यूज करोगे, आपको मिलेगी वो चीजें। तो ऑल द बेस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए रोहित, लाइफ में और अचीवमेंट्स सर, देते रहो। मैं एक स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहता हूँ सर, जैसे अगर आपको कुछ करना है ना पूरा, मतलब टाइम मैनेजमेंट, अगर कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो सीधा यूट्यूब खोलेगा, इंस्टाग्राम खोलेगा, यार मोटिवेशनल वीडियो देखने लगता है वो। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मोटिवेशनल ना, हमारे फैमिली में ही हमारे मोटिवेशनल है, वहाँ हमको अपनी फैमिली को देखना चाहिए, हमारे मम्मी पापा मेरे को कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, हर स्टूडेंट को पता रहना चाहिए उनकी पढ़ाई में कितना पैसा लगा है, अगर पता रहेगा ना तो ही वो ट्राई करेंगे। अगर सपोज मम्मी पापा पैसा लगाए थे, स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा है क्या लगा क्या नहीं लगा, क्या पता, तो चलते रहेगा प्रोसेस उसका पूरा। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो स्टूडेंट को समझना चाहिए अपने फैमिली की वैल्यू, उनके एफर्ट की वैल्यू जो कर रहे हैं उनके लिए, और तभी वो स्टूडेंट उसका आउटपुट दे सकता है। हाँ सर, चलो, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर मैसेज, एंड होप सो कि ये वीडियो जब सारे स्टूडेंट देखे तो वो भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करे। और अगर किसी के पास कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस होगा, आप रोहित को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में रोहित के लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक दे दूंगा। सो ऑल द बेस्ट रोहित टू यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, ओके, थैंक्स, बाय बाय। ओके।